किसी भी छात्रों छात्रा हो, यदि उसको पाठ्यक्रम के अतिरिक्त या कोई ऐसे प्रेरणादायक महापुरुषों की जीवनी के अतिरिक्त यदि कोई ऐसी कोई पढ़ाई पढ़ाई जाती है जो हमारे विषय का पढ़ाई का विषय नहीं है, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। मतलब जो प्रार्थना है वो सरकारी स्कूल में कौन सी प्रार्थना होनी मतलब है अभी लागू की, क्या प्रार्थना होती है? चार पांच प्रार्थना डिसाइड की हुई है, हाँ उन्हीं प्रार्थनाओं से करना पड़ता है। ठीक है। हिंदू लड़कियों ने कहा ये लब पे आती है दुआ इस तरीके की, उनको शुक्रवार को कराई जाती, क्या ये पाठ्यक्रम में है? नहीं, ऐसी कोई प्रार्थना हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, ऐसी कोई जांच ना कराएंगे डिसाइड आप? है। क्या ये जांच कराएंगे यदि क्या ये? ऐसी शिकायतें मिलेंगी हाँ तो हम इन सबकी जांच कराएंगे। क्या दूसरे स्टेट से भी जो है बातचीत की जा रही ड्रेस कोड के बारे में, जो लागू किया जाएगा या लागू होना चाहिए? हमने अधिकारियों से बातचीत की इस पर ड्रेस कोड के बारे में, और मैं इस बात का हामी हूँ कि विद्यालय महाविद्यालय में जहाँ ड्रेस कोड तय है वहाँ उसी के मुताबिक छात्र छात्राओं को पहनकर जाना चाहिए। मुख्य बात है कि बता दीजिए क्या हिजाब होना चाहिए क्लासरूम में या नहीं? मैंने कहा ना, मैं हिजाब के पक्ष में और विपक्ष में नहीं हूँ। हाँ। मैं तो इस पक्ष में हूँ कि जो सरकार ने विद्यालयों की ड्रेस तय की हुई है उस ड्रेस में जाए। ठीक है। और इसको स्ट्रांगली आप कब से लागू करवाने के लिए तैयार हैं, कटिबद्ध हैं, और क्या करने जा रहे हैं उसके लिए? हमारे आदेश तो पहले से ही है। हाँ। अभी कई आदेश की अवहेलना हो रही है तो उसे देखेंगे। कोई कोई जहाँ ऐसे ऐसा जो आप कह रहे हैं कि अवहेलना हो रही है तो जांच के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कोई इंस्पेक्शन करेंगे उस स्कूल का जिस जगह? मैं अधिकारियों से कहूंगा कि स्कूलों का निरीक्षण करें। वैसे निरंतर हमारे प्रावधान है सबको कि कितने कितने निरीक्षण करने वो करते ही होंगे, और नहीं करते तो मैं तागीद करूंगा कि सब विद्यालयों का जो नॉर्म स्तर है उसके हिसाब से निरीक्षण करें। मंत्री जी, एक एक लाइन में कहीं एक पहले से रणनीति बनी हुई थी, हम किसी भी कीमत पर सरकारी विद्यालयों में धर्मांतर नहीं होने देंगे। यदि पालना नहीं हो रही तो कार्रवाई टीचर्स पे होगी या बच्चों बच्चे पालना नहीं करते तो? देखो, दोनों पर कार्रवाई होगी। टीचर्स जो इस प्रकार का अलाउ करते हैं उनको भी होगी। जो जो विद्यार्थी सरकार के आदेश की अवहेलना करके गणवेश का विरोध करते या गणवेश पहन के नहीं आते उन पे भी। आपको लगता है कि कांग्रेस के राज में इन सब चीजों का चलन बढ़ा था जिसको अभी भी कई स्कूल फॉलो कर रहे हैं? मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं मंत्री बनने के बाद मैंने ये तय किया है कि सरकार के जो आदेश है उनकी पालना होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, बच्चियां ये कह रही हैं कि वहाँ सरस्वती माता की मूर्ति नहीं, बाकायदा वहाँ पर दरगाह के लिए चादर अब चढ़ाई जाने लगी, तो क्या इसकी प्रमाणिकता के लिए आप कोई जांच करेंगे? जिस विद्यालय में हाँ। सरस्वती माँ की मूर्ति चित्र या कोई उस पर दीवार पर बना हुआ चित्र नहीं होगा या ऐसा कोई चित्र नहीं होगा, यानी कहीं कहीं माँ की सरस्वती माँ की आकृति उस विद्यालय में होना चाहिए, नहीं होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ठीक है जी। जो हालात जयपुर में बने हैं जिस स्कूल में हिजाब को लेकर हंगामा मचा है, आज हम स्कूलों में गए वहां पर हालात ये है कि मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों आमने सामने, हिंदू लड़कियां कह रही हैं कि हमें नमाज पढ़वाई जाती है, मुस्लिम प्रेयर्स करवाई जा रही है, और मुस्लिम लड़कियां कह रही हैं कि हम किसी भी सूरत में हिजाब तो नहीं हटाएंगे, अगर सरकार ने फैसला लिया तो इसके खिलाफ विरोध सड़कों पर उतरेंगे। देखो, हम किसी को भी हिजाब पहनने से मना नहीं कर रहे, ना कोई अपना धार्मिक पहनाव पहनने से मना कर रहे, लेकिन विद्यालयों का ड्रेस कोड होता है, जो विद्यार्थी होगा उन सबको ड्रेस कोड मानना पड़ेगा, और जैसी ड्रेस सरकार ने तय की हुई है उसको पहनना पड़ेगा, अन्यथा वो विद्यालय में से वंचित किया जा सकता है। दूसरा, क्या रिपोर्ट आपने मंगवा ली है? रिपोर्ट इस तरीके की कि भाई किस तरीके का सरकार इसमें डिसीजन ले सकती है, वो रिपोर्ट कहाँ तक के है? नहीं, मैंने कोई रिपोर्ट नहीं मंगवाई, चर्चा की थी अधिकारियों से। हाँ। कोई रिपोर्ट नहीं मंगवाई। स्कूल के लिए कोई आदेश निकलेगा? क्योंकि भाई लड़कियां जिस तरीके ऐसे किसी भी स्कूल के लिए आदेश नहीं निकलेगा, लेकिन ऐसे सब स्कूलों के लिए आदेश निकलेगा जो सरकार के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। ये आदेश निकलेगा कि सरकार के हर आदेश की पालना हो। लेकिन हिंदू लड़कियों ने, मंत्री जी, हिंदू लड़कियों ने बड़ा आरोप लगाया है। नीचे तो ड्रेस वही पहन रहे, वो ये कह रहे हैं कि जितनी भी कोशिश कर ले हिजाब तो बैन नहीं कर सकते। सरकार सरकार है, वह सरकार आदेशों की पालना कराना जानती है।